आज हम पेपर देख रहे हैं, ये 2018 में आया हुआ बोर्ड का पेपर है, सेट वन। इसमें हमारे मतलब के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखो, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट्स बेयरिंग वायलेट फ्लावर्स विद पी प्लांट्स बेयरिंग वाइट फ्लावर्स, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन एफ1 प्रोजेनी। अगर उन्होंने कह दिया कि दिस इज अ मेंडेलियन क्रॉस, हाँ, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब ये, अगर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के है तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 प्रोजेनी होती है उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑल डोमिनेंट बट हिट्रोजाइगस और हाइब्रिड। तो डोमिनेंट कौन है यहाँ पे, वायलेट है, तो हम लिखेंगे वायलेट, है ना, यहाँ पे आप लिखोगे वायलेट। फिर इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, डिकम्पोजिशन कार्बन पीएच। व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन एटम्स एंड अदर एटम्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं। तो अगर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे तो इसका मतलब उनके आयंस कभी भी नहीं होंगे, और अगर आयंस नहीं होंगे तो उनके सॉल्यूशंस बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। तो ये रिंग वाला आप साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं। गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अब जैसे हमने समझो साइक्लोहेक्सेन बनाना है, तो कार्बन 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 एक हेक्सागन की फॉर्म में अरेंज कर दो, और सब कार्बन के साथ में दो दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच कर देंगे। ठीक है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है विच इज एक्चुअली C6H, H12, और इसके टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो ऐसे काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना, ऐसे ये 18 बॉन्ड्स हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ रिंग, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो सारे बॉन्ड्स गिनना पड़ेंगे, उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया, फिर आगे देखें। राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब मेन डिफरेंस की बात हो रही है तो हम लिखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ टू पेरेंट्स व्हाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ ओनली अ सिंगल पेरेंट, ना, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल पेरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स होते हैं। विच स्पीशीज इज लाइकली टू हैव कंपैरेटिवली बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, द वन रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली और द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि इट इज वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली विल हैव कंपैरेटिवली बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, बिकॉज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेरिएशंस आर ऑफ हाई डिग्री, हाँ, लार्ज डिग्री ऑफ वेरिएशन इज देयर, एंड जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेशन ऑफ जनरेशन की वजह से चांसेस ऑफ सर्वाइवल
इम्प्रूव होते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, हो सकता है हमको 10 साल 20 साल 150 साल में भी पता ना चले कि एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कंडीशंस डू चेंज और ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज़। इंडिविजुअल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो फिर देखें, शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड 6 ओम। तो इसको हम करके देखते हैं। 9 ओम के 3 रेजिस्टर्स अपने एनसीईआरटी में देखे क्वेश्चन, 3 रेजिस्टर्स हैं उनको ऐसे कंबाइन करें कि नंबर वन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 13.5 ओम हो जाए, एक जगह 13.5 ओम हो जाए और दूसरी जगह 6 ओम हो जाए, है ना, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो एक कॉम्बिनेशन तो ऐसा बना दो, कंबाइंड विथ दिस 9 ओम 9 ओम एंड 9 ओम। तो देखो ये 1/9 प्लस 1/9 इसका 1/RP होगा, 1+1 2/9, दैट मीन्स RP इज इक्वल टू 9/2, दैट इज 4.5 ओम। इफ इट इज 4.5 ओम एंड दिस इज कनेक्टेड, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू दिस 9 ओम रेजिस्टर इन सीरीज, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वुड बी 4.5 + 9, दैट इज 13.5 ओम। तो पहला वाला तो हो गया ना, फर्स्ट जो बात थी वो तो हो गई। अब सेकंड वो कह रहे हैं कि 6 ओम करो, तो हम ऐसे देखते हैं, 2 9 ओम के रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया और इन दोनों के साथ में 1 9 ओम रेजिस्टर को पैरेलल में लगा दिया, ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ऐसा, ये भी 9 ओम है तो ये दोनों 9 + 9 18 ओम हो जाएंगे। और अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 1/R1 की जगह 18 प्लस 1/R2 की जगह 9, तो एलसीएम 18 ले ले, 1+2 दैट इज 3/18। ये वैल्यू किसका है, आरपी नहीं लिखते यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 1/RP लिखते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 3/18। तो आरपी कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 18/3, दैट मीन्स 6 ओम। ये भी हो गया, ईजी है, सब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में देख रहे हो आप इनको, राइट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ current passing through it, the resistance of the wire and the time for which the current was passed. और उसको न्यूमेरिकली लिख देते हैं, H equal to I² RT। हाँ, H is directly proportional to square of I, H is directly proportional to R and H is directly proportional to T. Two lamps, one rated 100 watt and the other 60 watt, दोनों 220 volt पर काम करने के लिए बनाए गए हैं, are connected in parallel to electric main supply, find the current drawn by two bulbs for the line if the supply voltage is 220 from the line, ना, मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं वो कि इन दोनों जो
दो रेजिस्टर्स है कनेक्टेड इन पैरेलल, एक है 100 वॉट का पावर दे रखी है, 100 वॉट और 60 वॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। 100 वॉट और 60 वॉट के दो रेजिस्टर एक दूसरे से पैरेलल से जुड़े हुए होंगे एंड दे आर कनेक्टेड टू अ कॉमन वोल्टेज, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स्ड है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो गिवन, यानी वो इन दोनों के लिए कॉमन है। हाँ, हमें पता है कि जब करंट इसमें से पास होगा तो यहाँ दो रास्ते अलग अलग, क्योंकि ये पैरेलल में है तो चला जाएगा I1 एंड I2 की फॉर्म में। हमको ये I1 I2 अलग अलग भी निकालना है, फिर उनको अपन ऐड करके टोटल करंट भी निकाल देंगे। हालांकि हमको अलग अलग पूछा गया है इन दोनों में, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं P=VI। हाँ, इफ़ देर इज़ P=VI तो इस P=VI में देखें कि पावर दो अलग अलग है, तो हम लिखते हैं P1V कॉमन है, I1 इस P1 में जाने वाला करंट है, P2=VI2 सिमिलरली, ठीक है ना। तो I1 का वैल्यू आएगा P1/V और I2 का वैल्यू आएगा P2/V। P1 की जगह पे हम 100 लिखते हैं, ये हो जाएगा 100/220, P2 की जगह हो जाएगा 60/220। तो इसको सॉल्व कर लो। ₹0.45 एम्पियर इसको लिख दो, और इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3/11 0.22 27 एम्पियर कर दो। दिस इज हाउ इट हैपन्स। एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं इस तरह से दिए गए। अच्छा, एक क्वेश्चन में दो पार्ट नहीं, दो अलग अलग क्वेश्चन थे, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब आगे देखो, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। क्या लिखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, नंबर वन लेंथ ऑफ द वायर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नंबर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस। नंबर थ्री नेचर ऑफ द मटीरियल विद विच द वायर इज मेड, नेचर आता है रेजिस्टिविटी से, तो रेजिस्टिविटी का भी जिक्र होगा, R=ρL/A फॉर अ गिवन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर डिपेंड्स अपॉन द रो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज द क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटीरियल जिससे वायर बनाया है, जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.62 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर है, सिल्वर की 1.60 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर है। तो ये जो हमारे फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर्स ही हो गए, चौथा फैक्टर होता है टेम्परेचर, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर देखो, वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर द सब्सटेंसेज हैविंग वेरी लो रेजिस्टिविटी। इफ वी सी द रेजिस्टिविटी टेबल वी सी दैट ऑन द टॉप विद द लोएस्ट रेजिस्टिविटी इज, we will see the metals first, then metalloids and last में glass वगैरह, glass plastic जैसे bad conductors which do not allow the current to pass through them because of having very high resistivity। तो glass की resistivity बहुत ज़्यादा है और metals की resistivity बहुत कम है। Why are alloys commonly used in electrical heating devices? Give reason। दो reason आप बताएंगे, एक तो जो alloys होते हैं उनका melting point high होता है, और दूसरा मतलब melting point अगर high होगा तो इस वजह से वो easily इनका alloys का alloys की बात actually हम कर रहे हैं,
एक तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जिससे वो इजीली पिघलते नहीं हैं, दूसरा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि उनकी रेजिस्टिविटी कंपेरेटिवली हाई होती है। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो फॉर अ गिवन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और इसका फ़ायदा मिलेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आई स्क्वायर आर टी, फॉर अ गिवन करंट एंड गिवन टाइम द रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से। हाँ, तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हीटिंग डिवाइस का तो काम ही यही है हीट प्रोड्यूस करना। तो इसलिए हम इन दो रीजंस की वजह से कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो हीटिंग अच्छी करेगा और मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो पिघलेगा भी नहीं हीट लेकर के। व्हाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस हो गई बात। चलो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन इवॉल्व्ड थ्रू द अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ डब्रीनर न्यूलैंड एंड मेंडेलीव लिस्ट वन एडवांटेज वन लिमिटेशन ऑफ ऑल द थ्री अटेम्प्ट्स। डब्रीनर से शुरू करते एडवांटेज ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन हु गेव द आइडिया टू अदर साइंटिस्ट दैट देयर कैन बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस। डब्रीनर से पहले ये बात कोई सोचता नहीं था। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है या लिमिटेशन क्या है कि वेरी फ्यू एलिमेंट्स वर एक्चुअली सिलेक्टेड, ओनली थ्री ट्रायड्स वर मेड, ओनली नाइन एलिमेंट्स वर इन टोटो, सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स वर इग्नोर्ड नॉट इंक्लूडेड इन हिज सिस्टम एंड दीज ट्रायड्स द ग्रुप ऑफ थ्री एटम्स ये भी आपस में रिलेटेड नहीं थे। न्यूलैंड में हम क्या कहते हैं कि उनका जो एडवांटेज है उनका कंट्रीब्यूशन कह लें वो ये है कि ही गेव द आइडिया ऑफ पीरियोडिसिटी, ही गेव द आइडिया ऑफ प्लेसिंग द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हाँ, ये आइडिया सबसे पहले न्यूलैंड ने दिया, लेकिन उनकी लिमिटेशन क्या थी कि उन्होंने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए कुछ भी रखा नहीं, ना कोई प्रोविज़न नहीं रखा कि वो कहाँ आएंगे। वो तो ये मानते थे कि ओनली 56 एलिमेंट्स जो उस समय थे न्यूलैंड के टाइम में इन द ईयर 1866 उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो उन्होंने उनके लिए तो जो बना दिया लेकिन बाकियों के लिए कुछ नहीं बनाया। उसके अलावा अनलाइक प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको साथ में रख दिया। हाँ, जैसे आयरन को सल्फर के साथ में रखना, हाँ ऑक्सीजन सल्फर के साथ में आयरन को रख दिया जबकि ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स हैं और आयरन इज़ वेरी मच अ मेटल। सिमिलरली जो कोबाल्ट और निकल है उनको हेलोजन के साथ रख दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ में रख दिया। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी भी उसमें थी। जो मेंडलीव है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही था कि उसने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स को ना केवल प्रोजेक्ट, उन्होंने उनका नाम रख दिया, उनके लिए जगह खाली छोड़ दी, बल्कि उनके प्रॉपर्टीज़ लाइक अटोमिक मास एंड अदर मेल्टिंग पॉइंट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बता दिया उन्होंने। एक का बोरॉन जो बाद में स्कैंडियम बना, एक का एल्यूमिनियम जो बाद में गैलियम बना GA, हाँ, और एक का सिलिकन जो बाद में जर्मेनियम बना GE। ये तीन के बारे में उसने पहले से बता दिया, ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। हाँ, लिमिटेशन क्या थी कि मेंडलीव की लिमिटेशन की अगर बात करें तो उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी थी, आइसोटोप्स कहाँ रखे जाएं क्योंकि अलग अलग उनके आइसोटोप्स के मासेज होते हैं तो आइसोटोप्स की पोजीशन वॉज नॉट क्लियर। फिर तीसरा जो एटॉमिक नंबर जब यूज़ किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि उनके दो एलिमेंट के बीच में बहुत अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन हो जाती है, खास करके हायर एटम्स में जिनके मासेस ज़्यादा हैं उनके मासेस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा लगता है कि क्या पता फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट इनकी जगह आएगा।
एटॉमिक नंबर के साथ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11, मैग्नीशियम का हो गया 12 और एल्यूमिनियम का हो गया 3, तो 13, 11, 12 और 13 इनके बीच में कोई आएगा ही नहीं, ये हमें पता है। लेकिन अगर इनके एटॉमिक मासेस देखें तो सोडियम 23, मैग्नीशियम 24 एंड एल्यूमिनियम 27 होता है, है ना। तो एटॉमिक मासेस को यूज़ करना अपने आप में एक लिमिटेशन है। Name the scientist who first of all showed that atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. Henry Moseley. Henry Moseley ने ये बात कही थी जो यहाँ लिखी है कि atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. एंड स्ट्रेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये तो सबको याद होना चाहिए। अपने आप सोचो पॉज करके वीडियो, फिर नहीं आए तो वीडियो दोबारा से देख लो। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। मॉडर्न है तो मॉडर्न में एटॉमिक नंबर आ जाएगा, मेंडेलीफ वाले में एटॉमिक मास आया था। मेंडेलीफ की पूछेंगे तो हम इसी बात में एटॉमिक मास लिख देंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल का है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ओवरी का फंक्शन, ओविडक्ट का फंक्शन, यूट्रस का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ओवरी ओव्यूलेशन भी कर रहा है, साथ में वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए और अदर के लिए, अदर चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड हॉर्मोन्स भी सिक्रीट कर रहा है, मतलब वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ओविडक्ट जो है वो उसका छोटा सा काम है, जो ओवम होता है उसको ओवरी से निकाल के, देर आर टू ओवरीज तो आइदर साइड्स ओवरी से निकाल करके उसको फैलोपियन ट्यूब में, मतलब ऐसी जगह पर पहुंचा देना जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब एक ही बात है। यूट्रस, यूट्रस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट इसकी वॉल में होगा और फिर वहीं पर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। Describe in brief the structure and function of placenta. ये बात हम कर चुके हैं। State Fleming's left hand rule. When a straight current carrying conductor is placed inside a uniform magnetic field perpendicularly, it experiences a force in mutually perpendicular direction to the both the current and the मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको फ्लेमिंग ने कैसे समझाया कि इफ़ वी स्ट्रेच आर फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिस वे, देन द फोर एंड फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक करंट, देन दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, द वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द बोथ। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, में यही लिखो कि वेन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन साइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, जब किसी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, इन सच अ वे, ऐसे रख दिया जाता है कि उसकी परपेंडिकुलर आर्म्स जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो दीज टू विल एक्सपीरियंस फोर्सेस इन टू ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द आर्मेचर कॉइल विल रोटेट। आर्मेचर का काम क्या है? करंट ले करके और फोर्स क्रिएट करना। हाँ, ब्रशेस का काम है कनेक्टेड रखना मोटर के सर्किट को
रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट से कनेक्ट करने का काम ब्रशेस करते हैं विदाउट होल्डिंग इट, एंड स्प्लिट रिंग जो है जो डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है आफ्टर ईच रोटेशन, जो एसी की डायरेक्शन चेंज होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन हमारे हैं जो हमारे सिलेबस से जो अभी आने वाला है उसके लिए रेलेवेंट है। आप प्रैक्टिस करते रहें, और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप अगर व्हाट्सएप से डाल दोगे, व्हाट्सएप पे पूछ लोगे, तो मैं उसको यहाँ वीडियो बना करके भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।